इसे देखते ही आप भी ढूंढने लग जाएंगे कि किधर है पपाया, लाओ हम भी बनाते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूँ आरके मिथिला किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पपाया का हलवा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और हाँ दोस्तों, इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए ना, देखते हैं कैसे बनता है। दोस्तों, ये हमने 1 kg पपाया लिया है, इसे हमने पील कर लिया है और देख सकते हैं ये पका हुआ पपाया है। तो आज हम पके हुए पपाया से बनाएंगे हलवा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे दोस्तों, जितना छोटा हो सके उतना छोटा काटिए, ताकि जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी हमारा हलवा बनेगा, है ना दोस्तों। तो चलिए इस तरह से हम काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये पपाया सारा कट हो चुका है, मैं थोड़ा रफ कट किया हूँ। आप चाहे तो इसे भी थोड़ा छोटा कट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं चूल्हे पे चढ़ाता हूँ एक कढ़ाई। दोस्तों, ये कढ़ाई हमने चढ़ा लिया, इसमें डाल लेते हैं 2 tablespoons घी, प्योर देसी घी, बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों। और अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने कट कर लिया है, वो थोड़ा हम इसमें सौते कर लेंगे, एकदम लाइट सौते करेंगे, लाइट फ्राई कर लेंगे। क्या होता है दोस्तों, ये डाल देने से थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है और थोड़ा खाने में भी तो अच्छा लगता है ना, गार्निश भी हमारा हो जाता है। तो चलिए, हो गया है, देखिए बहुत ही लाइट हमने किया है। इसे अब हम निकाल लेते हैं और अब इसी में हम डाल लेंगे पपाया। ये देखिए दोस्तों, आप सोच सकते हैं कितना टेस्टी बनेगा, है ना दोस्तों। आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिए और देखिए कैसा लगता है खाने में। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। चलिए अब हम इसे चला लेते हैं और हाँ, अब हम इसे दोस्तों कुछ देर के लिए ढक देते हैं ताकि जल्दी से पके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा से बबल्स इसमें से आ रहा है, मतलब पक रहा है ना दोस्तों। और आपको मालूम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है दोस्तों इसमें से, बहुत ही अच्छा। तो चलिए फिर से एक बार इसे हम ढक देते हैं ताकि हलवा हमारा बहुत ही जल्दी बन जाए, है ना दोस्तों। और हाँ, इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे दोस्तों, ताकि ये लगे ना, है ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप ये भी देख रहे होंगे ना कि पहले कितना बड़ा बड़ा साइज था, अभी कितना छोटा हो गया है ना दोस्तों। और अब हम इसमें डाल लेते हैं चीनी। दोस्तों, चीनी हम इसमें 3 tablespoons डालेंगे, क्योंकि पपाया भी तो स्वीट होता है ना दोस्तों, तो इसके लिए हम चीनी इसमें थोड़ा कम डालेंगे। वैसे आप अपने स्वीटनेस के अनुसार ही डालें, आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी अनुसार से डालिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अभी तक हमारे चैनल आरके मिथिला किचन को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अब मैं इसमें डाल लेता हूँ खोआ। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास खोआ नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसमें दूध के ऊपर में जो मलाई आता है ना, वो भी आप डाल सकते हैं। अगर खोआ, मलाई, ये सब कुछ भी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, इस सब के बिना भी बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। हाँ तो चलिए अब मैं इसमें डाल लेता हूँ 1/2 teaspoon इलायची पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है दोस्तों ये डाल देने से। और साथ ही साथ डाल लेता हूँ ड्राई फ्रूट, जो हमने फ्राई किया था ना, वो डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और, कैसा लग रहा है दिखने में ये बताओ आप, अच्छा लग रहा है ना, गाजर के हलवा से भी अच्छा लग रहा है ना दिखने में। तो दोस्तों, हमारा पपाया का हलवा तो बिल्कुल रेडी हो गया है ना। तो चलिए गैस को करते हैं बंद और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, है ना दोस्तों, खाने का मन कर रहा है ना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि पपाया फ्रूट है तो फ्रूट तो व्रत में खाते हैं ना दोस्तों। तो चलिए अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा पपाया का हलवा, अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल आरके मिथिला किचन को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, कितना मस्त लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।